नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं नेशन भारत। हम लोग लगातार सुबह से नहीं बल्कि पिछले कई दिनों से इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में दो सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। कहीं ना कहीं लगता है कि बिहार में शिक्षा और बेरोजगारी पर बात हो ही नहीं रही है, क्योंकि बात हो रही है तो सिर्फ इन बातों की चर्चा हो रही है कि बिहार में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कितना वोट लाएगा, कैसे जीतेगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इस वक्त सारिका पासवान। हम उनसे बातचीत करेंगे कि मैम आखिर हो क्या रहा है, लोग अहम मुद्दों को भूलकर ये मुद्दा क्यों जीता ला रहे हैं कि लोग कितने वोट से जीतेंगे, कौन कौन प्रचार में जा रहा है, कितना खर्च हो रहा है, इन मुद्दों पे, बेसिक मुद्दा पे बात क्यों नहीं हो रहा। देखिए, 2020 का जो विधानसभा चुनाव था, आपने देखा होगा कई दलें उतरी थी मैदान में, एनडीए महागठबंधन दोनों ही। महागठबंधन का आपने मुद्दा देखा होगा, हमारा मुद्दा क्या था? बेरोजगारी, शिक्षा, बिहार का विकास, महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रदेश, ये अहम मुद्दे थे जो बिहार की जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे। तो कभी भी कहीं भी महागठबंधन, खास करके राष्ट्रीय जनता दल, अपने मुद्दों से भटका नहीं है। भटके कौन है? भटके वो लोग हैं जो सत्ता में पिछले 15 सालों से काबिज हैं, जिनके सत्ता की देन है मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, जिनके सत्ता में ही कोविड काल में हमने देखा पलायन, जिनके सत्ता में हमने देखा कोविड के काल में हॉस्पिटल्स में कितनी बद इंतजामी थी, कई तो इनके माननीयों का भी देहांत उसी कोविड काल के दौरान बद इंतजामी में हुई। तो ये जो प्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार जो कर रहे हैं, ये कौन कर रहे हैं? ये सत्ताधारी लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, सत्तर घोटालों में लिप्त लोग हैं, तो जाहिर सा बात है इनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं। अपनी उपलब्धि जब किसी के पास गिनवाने के लिए नहीं रहेगी तो वो क्या गिनवाएंगे? चलिए, बात तो सत्ता की आपने की, मगर सत्ता का चेहरा दिखाने वाले को ही विपक्ष कहते हैं। यहाँ पर विपक्ष में भी तमाम सवालात खड़ा हो रहे हैं, उंगलियाँ खड़ा हो रही है कि आखिर विपक्ष में जो नेता प्रतिपक्ष है वो क्या कर रहे हैं। अगर पक्ष दल कुछ नहीं कर रहा है, जिनकी सत्ता है वो नहीं कर रहे हैं, तो विपक्षी दल में बैठे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? इसका एक जवाब है, सत्ता से हटिए, आप बैठने दीजिए वहाँ तेजस्वी यादव जी को। तेजस्वी यादव जी ने जो वादे बोले थे अपनी सभाओं में, 10 लाख नौकरियां देंगे, वो देंगे। हमारे पास आपको ब्लूप्रिंट भी आपको दिया, आप मांग रहे थे ना कि कैसे देंगे आप नौकरियां, तो भाई आपको दे दिया गया कि क्या एक रेशियो होना चाहिए नेशनल लेवल पे, उस बिना पे हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी आया है। इनके पास तो कुछ ही नहीं है ना, बोल पा रहे हैं लोगों को। मुख्यमंत्री जी से आप नौकरी मांग लीजिए तो देखिए क्या कहते हैं, कहाँ से दे, यहाँ तो समुंदर नहीं है। मतलब हर जगह समुंदर होगा तभी आप नौकरियाँ देंगे। नीतीश कुमार तो ये तक बोल रहे हैं कि हमें गोली मारने का, ये कर दीजिए, गोली मार दीजिए हमको। भाई नीतीश कुमार जी, देखिए मजबूत विपक्ष जो है, हमेशा नीतीश कुमार जी को आईना दिखाया है कि आप पिछले 15 सालों के 2 दशक होने को है आपकी सरकार को, और आपने बिहार को क्या दिया, तो ये क्या कहते हैं, हम तो नोटिस नहीं लेते हैं। अरे भाई, आप नोटिस क्या इतने मजबूत विपक्ष का लीजिएगा? आप समझ लीजिए, जिस प्रदेश में इतने मजबूत विपक्ष का मुख्यमंत्री जी नोटिस नहीं लेते, तो वो आम आदमी का नोटिस देते हैं? उन पे तो डंडा चलवा रहे हैं, उनको जेल में ठिसवा रहे हैं वो। अभी कल की ही घटना है, किस तरीके से बेरोजगार जो अपनी मांगों को लेकर के बैनर और पोस्टर के साथ उनकी सभाओं में खड़े थे, उनको उन्होंने बोला, मंच से बोला, अरे कौन है रे ये लोग, इन लोगों को जेल में डलवाओ, इन लोगों को ले जाओ इधर यहाँ से। भाई आपसे अगर कोई रोजगार मांगेगा, आप उन पर डंडे चलाइएगा, आप उनको जेल में ठुसवाएगा, इस तरीके से सत्ता चलती है। तो वर्तमान सत्ता में बैठे जो लोग हैं, वो सत्ता और प्रशासन का दुरुपयोग करके ऐसे लोग, ऐसे तंत्र चला रहे हैं। मतलब मौजूदा जो सत्ता में, उनसे सत्ता के लायक नहीं है वो? निश्चित रूप से नहीं है, जनता ने तो उनको नकार दिया था। थर्ड ग्रेड की पार्टी वाले लोग सत्ता चला रहे हैं भाई, नंबर वन पे रहने वाले पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बिहार की, नंबर वन की पार्टी सत्ता से बाहर है और थर्ड ग्रेड वाले लोग सत्ता चला रहे। क्या चलाएंगे सत्ता इन्होंने? क्या किया इन्होंने 15 साल में? क्या दिया इन्होंने 15 साल में बिहार को? अगर वाकई में नीतीश कुमार जी ने बिहार को कुछ दिया होता तो आज इस डर और भय से वो कांप नहीं रहे होते, आज सच्चाई से वो अपना मुंह नहीं मोड़ रहे होते, उलझुल की बातें नहीं कर रहे होते। तो ये उनके शब्द जो है ना, उनके शब्दावली जिस तरीके से बिगड़ी है, वो प्रमाण है कि नीतीश कुमार जी की सत्ता में अब कोई पकड़ नहीं है, सत्ता में वो ऊब चुके हैं, तो उनको पद का त्याग करना चाहिए बिहार के भलाई के लिए। चलिए, तो अभी हमारे साथ सारिका पासवान थी जो राजद के प्रवक्ता है, उन्होंने साफ तौर पर और साफ शब्दों में कह दिया है कि नीतीश कुमार से अगर सत्ता नहीं संभल रहा है तो उन्हें अपना पद को त्याग देना चाहिए, अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
मगर अब देखने वाली बात यह होती है कि बिहार में महज 2 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं, तो नतीजा और परिणाम क्या निकल कर आता है। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।